दोस्तों आज हम पंप की सेटिंग बताएंगे कि पंप की सेटिंग कैसे करना है और कितनी सीमेंट डालनी है, इसमें सीमेंट डालनी है कि नहीं डालनी, ये आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इंजन आपका बहुत समस्या करता है। मेन यहीं से देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पंप की सेटिंग होती है, अब उसमें हम उसी में होती हैं, इसी तरह इसमें भी इसकी भी सेटिंग होती है दोस्तों। जो दोस्तों ये गेम देख रहे हैं, गेम और पंप के बीच में जो ये आप इसमें थोड़ा सा आप मैं आपको जूम करके दिखा दे पास करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये जो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा गेम है और ये इसका पंप का छर्रा, मतलब सिर्फ छू जाना चाहिए आपस में, मतलब सिर्फ छू जाना चाहिए, ना दबे हमारा पंप, एक भी नहीं दबना चाहिए। अगर कम कर दी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि तेल की सप्लाई कम हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपका प्लंजर नया है तो थोड़ा सा मार बिल्कुल यही रखें जो हमने सेटिंग बताई है, और अगर हमारा प्लंजर जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो थोड़ा सा आप मार को बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी स्टार्टिंग और अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों हम आते हैं, अब जैसे क्या होता है कभी कभी हमारा इंजन स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा चलता है, माने हमारा इंजन कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। तो इंजन कंट्रोल नहीं होता तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें गवर्नर की सेटिंग करनी होती है। तो चलिए दोस्तों आपको सेटिंग बताते हैं। तो जो दोस्तों ये 10 नंबर का नट लगा होता है उसको खोल के और पेचकस से हल्का टाइट कर दीजिए। टाइट कर देंगे तो हमारा दोस्तों जो है गवर्नर है, ये गवर्नर फिर से वो उसी तरह काम करने लगेगा जैसे पहले नए में काम कर रहा था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसमें इस गवर्नर की सेटिंग कैसे की जाती है अपने हिसाब से। दोस्तों अपने हर इंजन की सेटिंग अलग होती है दोस्तों, तो अपने इंजन के हिसाब से आपको कितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए कितनी कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से गवर्नर सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि न्यू वीडियो की अपलोड आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों इसमें आप समझ चुके हैं दोस्तों, हमारा इसमें अब गवर्नर सेट हो चुका है।